है गाइस, तो मैं अपने इस चैनल पर अब से ब्लॉग डालने की सोच रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए कुछ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं है ब्लॉग में क्या करना चाहिए। तो अपने फर्स्ट ब्लॉग में अपने खेत पे आया हूँ और मेरे बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा नाम विप्लव मंडल है और मैं उत्तराखंड स्टेट के उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ जिसका नाम है कालीनगर। और जो आप देख सकते हो ये मेरे पीछे जो सरसों आपको दिख रहा होगा, सरसों बोया हुआ, ये मेरा खेत है और कालीनगर में है मेरा खेत और मैंने अपने खेत पे सरसों बो रखा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे है, ये देख सकते हो पूरे खेत में मैंने अपने सरसों बो रखा है और सरसों में फलियाँ भी आ चुकी है। और आपको बता दूँ कि आज जो है फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ, आज जो है वेडनेसडे, बुधवार है आज, और आज के दिन मैं अपने आप लोगों को हमारे यहाँ पे एक मार्केट लगता है, बाज़ार लगता है, उस बाज़ार पे भी ले चलूँगा। और ये जो हमारा खेत देख रहे हो आप, ये पूरा जहाँ तक वो सरसों दिख रहा है वहाँ तक हमारा खेत है और इसके उधर आपको बता दो किसी और का खेत भी है सरसों के उधर थोड़ा। और इसके अलावा आपको बता दो इस साइड को आप देख सकते हो, यहाँ पे दिनेशपुर से मटकोटा जो रोड है वो रोड है, मेन रोड है। आपको बता दो दिनेशपुर से जो मटकोटा रोड जाता है, तो इसके बाद ये चलते हम अपने मार्केट की और थोड़ी देर बाद हम मार्केट में जाएंगे। उस मार्केट का भी वीडियो मैं आपको आज दिखा दूंगा, आज बुधवार है और बुधवार में कालीनगर का मार्केट लगता है, तो मार्केट का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो कुछ माइंड मत कीजिएगा, मुझे पता नहीं है कि ब्लॉग में क्या क्या दिखाया जाता है क्या क्या नहीं दिखाया जाता है। और अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं आगे भी इस तरीके का ब्लॉग बनाता रहूँगा। तो चलिए फिर इसके बाद सीधा मार्केट में ही मिलते हैं। तो हम देख सकते हो मार्केट से आ गए और सब्जी लेके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आलू, लाल आलू लेके आए थे हम। इसके अलावा आप देख सकते हो ये मटर है, मटर के अलावा हम टमाटर लेके आए हैं और इसके अलावा फिर गोभी है, पपीता है, अदरक है और इसके अलावा गाजर है और वहाँ पे मशरूम भी मिल रहा था, सब्जी मार्केट था फिर भी मशरूम मिल रहा था, तो मशरूम भी लेके आए आप देख सकते हो दो पैकेट। इसके अलावा मिर्च भी आपको दिख रहा होगा और सफ़ेद वाले आलू भी लेके आए थे। तो ये था आज का मार्केट, सब्जी मार्केट। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ब्लॉग के बारे में उतना आइडिया है नहीं, इसलिए मुझे से जितना बना मैं उतना शूट किया हूँ आज, आज उतना ही ब्लॉग बना पा रहा हूँ। और वो जो आपको पीछे जो लाइट दिख रहा होगा अभी, वो लाइट आपको बता दूँ, वो जो लाइट आपको दिख रहा है वो लाइट जो जहाँ पर हम मार्केट बाज़ार गए थे, सब्जी मार्केट, जो आपको बता दूँ कालीनगर में खाली ओनली बुधवार हफ्ते में एक ही दिन लगता है जो कि बुधवार को लगता है, वो जो मार्केट, उस मार्केट में गए थे हम सब्जी लाने। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पर एंड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद आपको मैं अपना गांव का नज़रिया भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पीछे जो आपको लाइट दिख रहा होगा, एक गांव का लाइट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे हमारा लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीछे आपको दिख रहा है वो जो पेड़ को उधर जो लाइट जल रहा हो, गाँव के ग्राउंड के ऊपर एक पोल है, उस पोल पर लाइट है और बहुत बड़ा लाइट है, वो भी मैं आपको मैं अपने ब्लॉग पर दिखाऊँगा। तो ऐसे बने रहेगा और आपका साथ मिले तो इस ब्लॉग चैनल
को शायद अच्छे से मैं चला पाऊँ। तो ज़रूर हम मुझे मोटिवेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए और मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।